that it discharges this responsibility, ke ye jo hai apni zimmedariyon ko pura kare, yani apni zimmedariyan jo hai unko pura kare, by defying, dafa karte hue, not only this or that, na sirf is cheez ka ya dusri cheez ka, particular aggressor, yani na sirf uska dafa kare, ke jo ek mulk jo hai wo kisi dusre mulk pe chadhai kar de, na sirf uska dafa kare, but aggression everywhere, lekin puri duniya mein jahan kahin bhi aggression ho, yani koi ek mulk dusre mulk pe hamla kar de, aggression ho, that aur ye ke it has a constructive, ke uska ek tamiri kirdar ho, and not merely, aur na sirf mehaz, a defiant outlook, ek zahir dari ho, aur usme koi kirdar uska na ho, duniya ko, maghribi duniya ko, ek bahut अपना जो है मजबूत किरदार जो है और एक उनका बहुत इसमें जो रोल है अमल दखल है उसको साबित करना है. वी कंसीव द रोल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि हम लोग जो है वो कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जो मगरबी दुनिया का किरदार है, टू बी द इनलाइटेंड वन, कि वो मुनव्वर करने वाला है, रोशन करने वाला है, ऑफ शेयरिंग इट्स ग्रेट फंड ऑफ नॉलेज, कि मगरबी दुनिया अगर उनके पास जो इतना बड़ा खजाना है, इल्म का खजाना है, उस खजाने को हमारे साथ शेयर करें. स्किल, फिर महारत का, एंड एक्सपीरियंस, और अपने तजुर्बे का, यानी उनके पास जो तजुर्बे का एक खजाना है उसको वो हमारे साथ शेयर करें. विद दोस, उन लोगों के साथ, वर डिनाइड, जिनको महरूम रखा गया, देयर अपॉर्चुनिटीज, उनके मवाकों से, बट हु कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट, लेकिन ये वो लोग हैं जो एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी का. वो ये कहते हैं कि दुनिया के वो लोग जो महरूम रह गए इन तमाम मवाकों से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, उनके साथ आप साइंस टेक्नोलॉजी को शेयर करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. And without whose progress, और इन लोगों की तरक्की के बगैर, the world, दुनिया जो है, will limp along only on one leg, कि दुनिया जो है बस वो एक टांग पे लगड़ाती हुई नजर आएगी, कि अगर ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो तरक्की नहीं करते और वेस्टर्न कंट्रीज तरक्की करते हैं तो दुनिया में अमन नहीं होगा. If at all, अगरचे ऐसा है, I have met many liberal-minded and thoughtful men. मैं मिल चुका हूं बहुत से अजाब ख्याल लोगों से और जो बहुत गौर फिक्र करने वाले लोग हैं उनसे, इन योर कंट्री, आपके मुल्क में, टू होम दीज आर दी ओनली एम्स, जिनका मकसद सिर्फ ये है, वर्थ परसुइंग इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, के वो काबिले गौर हैं इन द डोमेन, जो कि एक फील्ड है, डोमेन कहते हैं फील्ड को, इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स टुडे, के आज के जो पूरी दुनिया के हालात हैं उसमें, आई एम सर्टन, मुझे यकीन है, देयरफॉर, इसीलिए, दैट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ योर पीपल, के आपके लोगों की एक बड़ी तादाद, रिगार्ड द इमर्जेंस ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, के वो इज्जत करती है पाकिस्तान के कयाम की, यानी पाकिस्तान में जो जमहूरियत का कयाम हुआ है वो इसकी इज्जत करती है, इट्स प्रोग्रेस, इसकी तरक्की की, एंड फ्यूचर डेवलपमेंट, और मुस्तकबिल में इसकी जो तरक्की है उसकी, एस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एशिया, और इसकी जो फ्यूचर डेवलपमेंट है इसकी एशिया में बहुत अहमियत है. एंड दे आर कन्विंस्ड, और ये लोग इस चीज के कायल हैं, दैट पाकिस्तान स्ट्रेंथ, के पाकिस्तान की जो ताकत है, विल बी अ हैप्पी ऑगरी, कि वो एक नेक शगुन होगा फॉर पीस, अमन के लिए. An American statesman pointed out कि एक अमेरिका का जो मुदब्बर स्टेटमैन है, यानी बोलने वाला है, या अमेरिका का कोई सफीर है या नुमाइंदा है, pointed out, उसने point out किया, the other day, चंद दिन पहले, the great similarity of the beginnings of Pakistan with the early days of America, के पाकिस्तान का जो आगाज है, यानी पाकिस्तान के कयाम के बाद के जो दिन है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बनने के बाद के जो दिन है वो एक तरह के हैं. ऑफ हाउ, के किस तरह अमेरिका बिगेन मेनली एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, के अमेरिका ने एक जरई मुल्क के तौर पर आगाज किया, जस्ट एज पाकिस्तान इज टूडे, जैसा कि आज पाकिस्तान अपनी जिंदगी का आगाज कर रहा है एक जरई मुल्क के तौर पर. And of how both struggled successfully, कि किस तरह दोनों मुल्कों ने बड़ी कामयाबी के साथ कोशिश की टू फ्री themselves, अपने आप को आजाद करने के लिए, और फॉरेन रूल, जो एक गैर मुल्की तसल्लुत था उन पे, उससे. As your belief in individual enterprise, जैसा कि आपका यकीन है एक इनफरादी कोशिश पे या मुस्तैदी पे, एंड इन सिविल लिबर्टीज, और शहरी आजादी पे, सिविल लिबर्टी का मतलब है हर शहरी को आजादी हासिल है, has led you to great heights, और यही चीज आपको ले आई है इस बुलंदी पे, both as a productive, के आपको दोनों ही एक पैदावारी, and as a democratic country, और एक जमहूरी मुल्क, यानी आप एक जमहूरी मुल्क भी हैं और आप एक ऐसे कंट्री भी हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैदावार है. So we hope, बस हम उम्मीद करते हैं.